नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ किशन और आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ छत्तीसगढ़ के एक अनोखे स्थान शिवरी नारायण। दोस्तों, जैसे ही नवरात्रि आती है हर छोटे बड़े शहरों में जो है दुर्गा पांडाल दुर्गा मूर्ति बनना चालू हो जाती है। बहुत ही जोरों शोरों से धूमधाम से जो है दुर्गा मूर्ति और दुर्गा पांडाल बनाया जाता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ शिवरी नारायण, जहाँ हर साल जो है काफ़ी भव्य रूप से नवरात्रि मनाई जाती है और काफ़ी बड़ा पंडाल छत्तीसगढ़ के बड़े पंडालों में से एक बनता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ की मूर्ति कैसी है। तो ये मंदिर है, मतलब ये जो बना थे पंडाल थे ना, यह मतलब काचिज के ऊपर बना थे। ये बत्ता के साथ बांस का वास्ता से हो रहा है, बाहुबली का एक तो सेटअप है। अच्छा, वही हो रहा है। नहीं, वो बनेगा दिखेगा कैसे, कौन सा मंदिर की तरह दिखेगा? वही तो बोल रहा हूँ, बाहुबली का जो सेटअप है ना, बाहुबली उसका एक सेटअप है, महल वाला। हाँ, महल वाला वैसी बन रहा है, ऐसी बन रहा है, दिखाऊंगा तुमको, फोटो दे रहा हूँ। यकीनन दोस्तों, शिवरी नारायण के साथ नैला जांजगीर, रायपुर, बिलासपुर के कुछ अन्य स्थानों में बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियां जो हैं और पंडाल छत्तीसगढ़ में बनाए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा शिवरी नारायण के दुर्गा मूर्ति, दुर्गा आइडल मेकिंग और साथ ही यह पंडाल देखने वाले हैं। यह पंडाल वैसे कहा जा रहा है दोस्तों 25 फीट ऊँचा होने वाला है। साथ ही यह जो पंडाल है वह भव्य बाहुबली के महल के सेट पर आधारित होने वाला है। जय जोहार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं किशन और आप देख रहे हो सीजी टूरिज्म विद किशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको लेकर आया हूं शिवरी नारायण। दोस्तों, आपको पता ही है कि अभी कुछ समय में नवरात्रि आने वाली है 15 अक्टूबर से, तो अलग अलग जगहों पर जो है पंडाल बन रहे हैं। नैला में जो जांजगीर में बनता है पंडाल वो सबसे बड़ा होता है। हालांकि इस बार का जो शिवरी नारायण में बनने वाला पंडाल है वो सुनने में आया है कि काफ़ी बड़ा है। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ शिवरी नारायण, यहाँ का दुर्गा पंडाल घुमाने के लिए। अभी पूरा नहीं बना होगा लेकिन अभी कुछ हद तक ज़रूर बन गया होगा। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ शिवरी नारायण के दुर्गा पंडाल, दिखाता हूँ कि यहाँ पंडाल कैसा है और मूर्ति कैसे बनी है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको लेकर चलते हैं सीधा शिवरी नारायण की दुर्गा पंडाल, दिखाते हैं यहाँ माता कैसे बन रही है। तो ये आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पास जो है पंडाल बन रहे हैं और ये जो है ये पूरा मेला ग्राउंड है शिवरी नारायण का। जब मेला लगता है माघी पूर्णिमा वाला तो यहीं ग्राउंड पे लगता है। उधर आप देख सकते हो महानदी है, बोटिंग पॉइंट है ये, और जस्ट यहाँ पास जो है दुर्गा पंडाल लग रहा है। इस बार का जो है वो काफ़ी बड़ा है सुनने को मिला है। चलिए चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या तैयारियाँ हो रखी हैं और कैसा बनने वाला है। अगर कोई प्रबंधक मिलते हैं तो उससे जानने की भी कोशिश करेंगे। तो ये देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से बनने वाला है पंडाल। पंडाल के निर्माण के बारे में वैसे तो यहाँ कुछ इतना लिखा नहीं हुआ है, बोर्ड पे जो जानकारी है वो आप लोग देख सकते हो। अब देवांगन गिरधारी देवांगन मूर्तिकार भटगांव वाले द्वारा जो मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है ऐसा लग रहा है। और चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी भव्य पंडाल बनने वाला है और कुछ कुछ हिस्सा जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अभी जो है माता की मूर्ति वो बन रही है, तो अभी पूरी नहीं बनी है। उसके बावजूद जो है मुझे लग रहा है कि ये भी काफ़ी बड़ी होने वाली है। हालांकि देखकर तो ऐसा लग रहा है दोस्तों, ये जो है नैला जांजगीर से, और क्योंकि वो वाली जो मूर्ति है वो टेबल पे रखी हुई है और ये वाली जो मूर्ति है ये तो खड़ी है ऐसा लग रहा है। उसके शिवरी नारायण के इस भव्य पांडाल और मूर्ति को बनाने के लिए दोस्तों कई जगहों से खास कारीगरों को, कलाकारों को बुलाया गया है। मुख्य रूप से जो मूर्ति निर्माण है दोस्तों वह भटगांव से गिरधारी मूर्तिकार के द्वारा बनवाया जा रहा है। साथ ही यह जो पांडाल है यह कलकत्ता के खास कारीगरों द्वारा बनवाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह जो पांडाल है यह बाहुबली 1 के पिक्चर के महल के सेट पर आधारित होगा। साथ ही जो मूर्ति है और जो आइडल है वह भी काफ़ी खूबसूरत और भव्य बनने वाला है। यहाँ दुर्गा माता के साथ दोस्तों नरसिंह, शिव जी और भी कुछ दो चार अन्य मूर्तियाँ बनने वाली। मूर्तियों को बनाने के लिए मुख्य रूप से जो है पैरा और मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है, जैसा कि हर जगह आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, मूर्ति खास बात यह है कि अभी कुछ समय से काफ़ी लोगों द्वारा कहा जा रहा था कि यह सबसे बड़ी मूर्ति होने वाली है। इस तरह से दिख सकते हो दोस्तों, ऐसा ही बनने वाला है। नहीं, सब ढक जाएगा।
ये तो कहीं पंडाल का खींचा हुआ फोटो है। हाँ हाँ। तो ये कहाँ बनाए थे? कलकत्ता में बनाए थे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, यह जो पंडाल है यह बाहुबली सेट पीस है और उसी के महल पर आधारित होगा। पंडाल जो है लगभग दोस्तों 90 फीट के आसपास बनने वाला है। इसके अलावा यह जो माता की मूर्ति है यह भी 25 फीट ऊंची होने वाली है। तो इस बार दोस्तों शिवरी नारायण में काफ़ी भव्य और बड़ा पंडाल बनने वाला है। यकीनन हर साल की तरह जैसे मेले में भीड़ होती है शिवरी नारायण में, यहाँ दशहरा और नवरात्रि के समय भी लोगों की खासा भीड़ होगी। वैसे दोस्तों शिवरी नारायण में इस नवरात्रि में 9 दिनों के माता की पूजा के अलावा दोस्तों यहाँ दशहरा कार्यक्रम भी है, साथ ही यहाँ DJ स्टार नाइट का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो इस बार जो है दर्शकों के लिए काफ़ी सारे मनोरंजन के कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। आप लोग भी यहाँ ज़रूर आइएगा शिवरी नारायण माता के दर्शन करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।